नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला जिला अंतर्गत टावर चौक के समीप में गुरुवार की शाम को गुमला जिला भाजपा अनुसूचित मोर्चा के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया, जिस दौरान मौके पर जमकर हेमंत सरकार के खिलाफ में नारेबाजी की गई। वही इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष खुशमन नायक ने कहा, इस सरकार में कुछ विशेष समुदाय के लोगों का मनोबल काफी बढ़ गया है, जिससे दुमका जैसे जगहों पर अंकिता के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। उसे न्याय मिलना चाहिए और आरोपी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वही कहा कि इसी तरह से पलामू के मुरुमातु में महादलितों के साथ जो अन्याय हुआ है और 50 परिवारों को उजाड़ दिया गया, जिसकी कड़ी निंदा करते हुए उनके न्याय की मांग की गई। इधर भाजपा के शैल मिश्र ने वर्तमान सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हेमंत की सरकार महिला विरोधी सरकार है। यह सरकार के शासन काल में महिला पर हो रहे अत्याचार और वर्तमान सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठाना, यह अपंग सरकार की निशानी है। कहा कि शासन नहीं संभल रहा तो इस्तीफा देने की बात कही, जिसके बाद हेमंत सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। शासन का जो रवैया है, पलामू के मुरुहातु गांव के आपको 40 से अधिक परिवार को विस्थापित कर दिया गया, उनको उनका घर को तोड़ दिया गया एक विशेष समुदाय के द्वारा, जिसमें प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रहे, और आज वो जो दलित परिवार के लोग हैं दर दर भटक रहे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है और आने वाला दिन में हम लोग इस पर और आंदोलन करेंगे, ये हम लोग का मानना है। आज हम लोग एससी मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ मशाल जुलूस और पुतला दहन का कार्यक्रम किए। जब से हेमंत की सरकार बनी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। एक घटना होती है फिर दूसरी घटना होती है। अभी अंकिता का मामला ठंडा नहीं हुआ, उसके बाद में किस क्या नाम तेजाब से बच्ची को जला दिया गया, अंकिता को तेजाब छिड़क पेट्रोल जलाकर मार दिया गया, जिस दिन अंकिता मौत से जूझ रही थी हॉस्पिटल में, और हेमंत सोरेन विधायिका के साथ पर प्रशासन नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। झारखंड सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है और इनको अपनी गति छोड़ देनी चाहिए। और जनहित को देखते हुए महिलाएं भी यहां सुरक्षित नहीं है, महिला विरोधी सरकार है। दुमका जिला के मुरुहातु गांव के 50 दलित परिवार के घर को एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा, पलामू जिला के विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा घर को तोड़ फोड़ किया गया और सभी 50 दलित परिवार को गांव से बाहर निकल दिया गया है। और दुमका जिला के हमारी बहन अंकिता कुमारी को भी जलाकर मार दिया गया, इसके विरोध में आज हम लोग हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से यह पुतला दहन कार्यक्रम आयोजन किया गया है।